गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा चार विषय हिंदी पाठ छह नाव बनाओ नाव बनाओ नामक कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में कवि ने बच्चे के मन की बात को बताया है कि जब बरसात होती है तो बच्चा कितना खुश होता है नाव चलाने के लिए, जो हम कागज की नाव बनाते हैं उसके बारे में बताया है। बरसात का मौसम है, बारिश होने वाली है, एक बच्चा अपने भैया से नाव बनाने को कहता है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, उनमें बादलों में सात समुंदर का पानी भरा है। सात समुंदर यानी जहां सारी नदियों का पानी इकट्ठा होता है। अतः वह अपने भाई से क्या कहता है कि भैया रस का सागर भर कर लाने को कहता है, यानी उसके भैया का मन नहीं करता है नाव चलाने को, लेकिन वह अपने भैया से कहता है भैया आप कागज की नाव बनाओ और हम बारिश में नाव चलाएंगे। बारिश खूब होने लगती है इसलिए वह काफी उत्तेजित होता है, उत्तेजित यानी वह बहुत खुश होता है। इस प्रकार से अपने भैया से कहते हैं भैया मेरे लिए रंग बिरंगे कागज लेके आओ, उससे हम नाव बनाएंगे और नाव चलाएंगे। तो बच्चों, इस कविता में कविता को पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो इस प्रकार से हैं, हर्षाना खुश करना, होठ दोष, आलस सुस्ती, टटोला खोजना, लपक कर जल्दी जाना। तो आइए अब हम बुक में कविता पढ़ते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम बुक में कविता पढ़ते हैं। पाठ छह नाव बनाओ नाव बनाओ। जो नाव तो क्या है, लकड़ी की भी बनती है, लेकिन यहाँ पे किस नाव की बात की गई है, जो कागज से बनाते हैं और फिर जब बरसात होती है तो कागज की नाव चलाते हैं बच्चे, उसी के बारे में बताया कवि ने। नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसा ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भरी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक कर तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आँखों चढ़ती घटती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो बच्चों, कविता इस प्रकार से और इसका भावार्थ इस प्रकार से है, नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। जो बच्चा है वो अपने भैया से कह रहा है कि भैया जल्दी आ जाओ और कागज की नाव बनाओ। देखो, वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। वह अपने भाई से कहता है भैया देखो बादल छाए हैं आसमान में, बादल छाए हुए हैं और बारिश होने वाली है, और क्या है सात समुंदर भर लाया, यानी जब बारिश होगी तो बहुत सारा पानी भरेगा, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तुम क्या है, तुम भी मेरे साथ आ जाओ और जल्दी से मेरे लिए नाव बनाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा,
लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। पानी जब खूब पड़ेगा तो जो हमारे घर के आसपास जो गलियां होती हैं, जब खूब बरसात होती है तो उन गलियों में भी पानी भर जाता है और ऐसा लगता है हमें जैसे हमारे घर के आसपास क्या है, नदी बह रही हो। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। जब पानी खूब बड़ा है तो भैया आ जाओ, आप भी जल्दी से आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। अपने भाई से कहते हैं, कहता है वो छोटा बच्चा अपने भाई से कहता है, भैया अपनी गुल्लक को खोलो, गुल्लक जिसमें आप लोग पैसे इकट्ठा करते हैं। वो गुल्लक क्या होता है, लकड़ी का भी होता है और मिट्टी का भी बना हुआ होता है। भैया से कहते हैं कि अपनी गुल्लक को खोलो, उसमें से पैसे निकालो, टटोलो यानी खोजो। फिर बाजार लपक कर तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अपने गुल्लक से पैसे निकालो और लपक यानी जल्दी से जाना, आप जल्दी से बाजार जाओ और मेरे लिए वहां से कागज लाओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। अपने भैया से कहते हैं कि गुल्लक से पैसे निकालो और जल्दी से बाजार जाओ और बाजार से मेरे लिए चमकीला लाल हरा रंग बिरंग के खूब कागज लेके आओ। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ, और कागज लेके आओ और कैंची से जल्दी से चलाओ कैंची को और कागज से मेरे लिए नाव बनाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती घटती। जब नाव चलती है नदी नाले में, जब नाव चलती है हमारे घर के आसपास जब पानी इकट्ठा होता है तो खूब सारा पानी होता है और ऐसा लगता है जैसे नदी बह रही है। उसमें जो कूड़ा करकट होता है, जो अब हम नाव चलाते हैं, तो नाव क्या है आगे कूड़े के साथ भी उससे लड़ती हुई फिर भी आगे बढ़ती है और सबको सब उसको क्या है एक टक होकर एक नज़र से देखते हैं। नाव तैरा मुझको हर्षाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अपने भैया से कह रहे हैं बच्चे कि आप जल्दी से आओ, कागज की नाव को तैराओ और मुझे खुश कर दो। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। बच्चा कहता है, उसके भैया कहते हैं कि मेरे बस की नाव चलाना नहीं है। क्यों कहता है वो, क्योंकि उसका मन ना उसकी रुचि नहीं है नाव चलाने में। और फिर उसका भैया कहता है कि मेरे बस का नहीं है। बच्चा समझ जाता है कि उसके भैया क्या है आलस कर रहे हैं। वो अपने भैया से कहता है कि आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। आप ऐसा आलस मत करो। अतः अपने भाई से कहता है वो बच्चा कि आलस छोड़ो और मेरे लिए नाव बनाओ और हम साथ में नाव तैराते हैं, जो कागज की नाव होती है। इस कविता के कवि हैं हरि कृष्ण दास गुप्त जी। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने बच्चे के मन के हर्ष उल्लास यानी जब बारिश होती है तो बच्चे खुश होते हैं और कागज की नाव बनाते हैं और उसे तैराते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे के मन के भाव को बताया है। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। अब आप इसे घर में अच्छे से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।